أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी। ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा। दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे, दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। आपका नाम? मजबीन। स्कूल का नाम? अल हादी इस्लामिक स्कूल सिस्टम फ्राश टाउन इस्लामाबाद। तो कितना अच्छा हो गया स्कूल का? हमारे वैसे तो मैं इदारों में जो काम कर रही हूँ 15 ईयर्स से मेरा वर्क है, बट ये वाला इदारा इसको मेरे 2 साल हो गए रन किए हुए। तो किस तरह शौक हुआ इस फील्ड में, कोई ख़ानदानी बस की थी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा जो थी वो गवर्नमेंट टीचर थी, और मुझे स्टार्टिंग से ही वो मेरा आइडियल थी, और उनको देखते हुए मैंने इस फील्ड का चूज़ किया। और उसके बाद ये है कि मैंने प्राइवेट स्कूल्स को ज़्यादा तरजीह दी प्राइवेट सेक्टर में आने को, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बेसिकली औरत के लिए सबसे ऑनरेबल पेशा जो है वो टीचिंग ही है। बच्चों के वालदैन को शऊर है यहाँ पे, स्कूल तो बहुत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं तकरीबन 20% जो अनएजुकेट होने की वजह से उनको शऊर की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से हम लोग उस कमी को पूरा करने के लिए भी अपनी पीटीएम का अरेंज करते हैं, जिसमें यह है कि बाकायदा तौर पे उन पेरेंट्स को बुलवाया जाता है, उनके साथ पीटीएम करके तो उनको हम जो बच्चों की तालीम के मसाइल हैं या उसके अलावा जो उनकी तरबियत के मसाइल हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह के उसमें भी वालदैन हमारे से पूरा तावन करते हैं। कोई इलाके वाले से मसाइल हो क्या? जी इलाकाई मसाइल तो वैसे तो बहुत ज़्यादा है, बट ये है कि यहाँ पे स्पेशली सफाई का बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि है तो ये सीडीए का एरिया, बट सीडीए के एरिया के होने के बावजूद गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी कोई तवज्जो नहीं कर रही। जगह जगह उन्होंने पार्क्स बनाए हुए हैं, मगर पार्क्स में कूड़े करकट के ढेर पड़े हुए हैं और सफाई का इंतज़ाम बहुत ख़राब है। क्या हुकूमत तआमुल कर रही है स्कूलों के साथ? जी नहीं, एस प्राइवेट सेक्टर्स में तो बिल्कुल भी नहीं कोई तावन हुकूमत का अभी तक हमारे साथ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स वाले रहे हैं। अभी तक ये है कि हम लोग जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स वाले हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने इदारे चलाए, बहुत से इदारे जो हैं कोविड की वजह से क्लोज़ भी हो गए, लेकिन अभी यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ही ये सारा चीज़ की अपने इदारों को हम लोग बहाल रख पाए, वरना गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई तावन नहीं मिला। बच्चों के वालदैन को कोई पैगाम दें अपने स्कूल के लिए?
बच्चों के वालदेन के लिए मेरा यही मैसेज है कि बच्चे वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के साथ जो है वो टच रखें, क्योंकि जब इदारों में, जब हमारे इदारे में कोविड का सिस्टम आया या बाकी तमाम पूरे मुल्क में हमारे, तो सबसे ज़्यादा जो हमें मसाइल पेश आए वो यही थे कि वालदेन जो है वो स्कूल के साथ उनका रابطہ ख़त्म हो गया था। उन्होंने, हम लोग कॉल्स करते, उन्हें बुलवाते, लेकिन उसका यही था कि उनका हमारे साथ बिल्कुल रابطہ डिस्कनेक्ट था। और अभी यह है कि बच्चे जब कोविड के बाद वापस स्कूल्स में आए हैं तो अभी बच्चों का कोई हाल नहीं है, क्योंकि तालीम से वो बहुत दूर हो चुके हैं। तो इस वजह से मेरी वालदेन से ये गुजारिश है कि आइंदा आने वाले दौर में भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसाइल हमारे साथ पेश आए, लेकिन इनकेस कुछ ऐसा वैसा प्रॉब्लम पेश आता है तो मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इदारों के साथ टच रहा करें, ताकि बच्चों के साथ और वालदेन की जो आपस में वालदेन और उसाद्जा का जो ताल्लुक है वो ना टूट रह पाए, ताकि हम बच्चों की तरबियत को और तालीम को अच्छे तरीके से तवज्जो दे सकें। थैंक यू।